Hello to all my listeners, and again welcome to the Learning Zone channel. So friends, today we are going to complete the first poem of the book Honeydew. जो poem है Ant and the Cricket, बहुत ही अच्छी poem है. शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी इसकी कहानी. तो चलिए हम ज़्यादा time waste ना करते हुए इस poem को complete करते हैं. The Ant and the Cricket. Ant मीन्स चीटी और क्रिकेट झिंगूर होता है. ठीक है, क्रिकेट बोलते हैं झिंगूर के लिए. झिंगूर आप लोगों ने देखा ही होगा. तो कम स्टार्ट करते हैं. अ फेबल इज अ स्टोरी. फेबल मीन्स होता है फ्रेंड्स कोई काल्पनिक कहानी. जैसे जो दादी नानी पहले से हमें जो कहानियाँ सुनाती आ रही हैं उनमें वही बोलते हैं हम, कल्पना की हुई कुछ कहानी फेबल. ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल. जिसमें क्या होता है, एनिमल्स को एक कैरेक्टर जैसे बना दिया जाता है. ठीक है, एक कैरेक्टर जैसे रखा जाता है जो कि एक मैसेज कन्वे करते हैं, जो कि हमें कुछ बाद में कहानी के अंत में सीख दे करके जाते हैं. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड द क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया. ये जो पोएम है एंट एंड क्रिकेट की, इसमें भी एक आइडिया कंटेन है. फॉर फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. फार रीचिंग सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स बहुत दूर तक पहुँचना, दूर तक जाने वाला. जो ऐसा आइडियाज पे कंटेन है विच इज़ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. विच इज अज ट्रू ऑफ ए फोर लेग क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग वन. विच इज एज ट्रू, जो इसी तरह से सच है जैसे कि जो जितने फोर लेग क्रिकेट होते हैं और कुछ टू लेग वन भी होते हैं. टू लेग वन मीन्स यहाँ पे एक तरह का एक क्रिटिक जैसे किया हुआ है ऑथर ने. तो टू लेग वन यहाँ पे शायद ह्यूमन बींग्स के लिए बोला गया है कि दो पैर वाले झिंगूर. Surely you have seen a cricket that has two legs. तो यहाँ पे वो ऑथर बोलते हैं कि surely पक्का है कि तुमने टू लेग्स वाले क्रिकेट ज़रूर देखे होंगे. A silly young cricket accustomed to sing. A silly young cricket. एक क्रिकेट, एक झिंगूर. Accustomed means होता है आदि होना, किसी चीज़ का habitual होना. ठीक है, तो वो आदि था किस चीज़ का, गाना गाने का. Accustomed to sing. ठीक है, दो throw the worm. गर्म सीजन्स में, सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. तो वो हर मौसम में, चाहे वो खुशनुमा प्लीजेंट समर हो या स्प्रिंग सीजन हो या गर्मियों का मौसम हो, सनी मंथ्स में, तो वो हर समय किस चीज़ का आदि था, वो गाना गाता रहता था. बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. तो तभी अचानक क्या हुआ, वो शिकायत करने लगा. कब, व्हेन ही फाउंड दैट His cupboard was empty. जब वो घर आया और उसने देखा कि उसका कबर्ड जिसमें उसके खाने पीने का सामान रखा रहता है वो खाली है, तो वो शिकायत करने लगा. एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ गई थी. अब सारे सीजन्स में तो वो गाता रहा, मज़े करता रहा, अब विंटर आ गई लेकिन अब उसके पास खाने को नहीं था. उसकी कबर्ड, उसका घर पूरा खाली पड़ा था, खाने को कुछ भी नहीं था उसके पास. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. क्रम्ब मीन्स होता है फ्रेंड एक छोटा सा, एक रोटी का ब्रेड का टुकड़ा भी उसके पास नहीं था खाने के लिए, एक पीस भी नहीं था. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. अब जब विंटर सीजन था तो पूरी ग्राउंड को स्नो ने कवर कर लिया था, पूरे पे बर्फ ढकी हुई थी, छाई हुई थी. और आप लोगों ने देखा होगा जब बर्फ़ पड़ती है जहाँ पर, जिन एरियाज में, वहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता है. मीन्स ना पेड़ पौधों पर कोई लीफ होती है, फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है उस समय. ठीक है, तो वही यहाँ पर बता रहा है कि कुछ भी उसके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था. पूरी स्नो से ग्राउंड थी वो कवर्ड हो चुकी थी. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, इवन ही कुड नॉट सी अ सिंगल फ्लावर. उसको एक पौधे पर एक छोटा सा फ्लावर भी नहीं दिखाई दे रहा था. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. और ट्री पर कोई लीफ नहीं थी, सब पत्तियां झड़ चुकी थी. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. तो क्रिकेट अब ये सब कंडीशन देखता है भाई कि ये कंडीशन हो रही है. उस टाइम तो मैं गाता रहा लेकिन अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पेड़ों पे एक पत्ती नहीं है, फूल नहीं है, अब मेरा क्या होगा, व्हाट विल हैपन ऑफ मी. एट लास्ट बाय स्टारवेशन. स्टारवेशन होता है भूख से मरना. ठीक है, एंड फेमाइन मेड बोल्ड. फेमाइंस मीन्स होता है फ्रेंड सूखा पड़ना. ठीक है, तो अब जब वो देखता है, सूखा मीन्स ऐसा नहीं है आइस पड़ रही है तो सूखा कैसे होगा, मतलब खाने को कुछ नहीं था, अकाल जैसे पड़ गया था उसके लिए, भूख से मर रहा था वो. तो इस कंडीशन में उसने उसको एक बोल्ड बनाया, उसको थोड़ी हिम्मत दी. किस चीज़ की,
ऑल ड्रिपिंग विद वैट. ड्रिपिंग मीन्स टपक रहा था वो गीला होकर के, ठीक है, टपकता हुआ. एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपता हुआ. अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट. माइजरली मीन्स होता है कंजूस, ठीक है. तो वो ऐसी कंडीशन में ठंड से कपकपाता हुआ, टपक पानी टपक रहा था उसके ऊपर से, तो वो माइजरली बहुत कंजूस जो एंट्स होती हैं उनके पास जाता है टू सी, यह देखने के लिए, इफ टू कीप हिम अलाइव, अपने आप को जिंदा देखने के लिए. और वो देखता है, देखने के लिए जाता है कि क्या एंट्स उसे खाना देंगी. ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या उसे शेल्टर मिलेगा इस पानी की टपकती हुई बूंदों से, रेन से, उसे एंट्स के द्वारा कोई शेल्टर दिया जाएगा. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल ऑफ ग्रेन मीन्स क्या उसे पेट भर के खाना मिलेगा, ठीक है. ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो सिर्फ बोरो करना चाहता था, ऐसा नहीं था कि वो उनके ऊपर जाके खाना खाना चाहता था, पूरा पूरा डिपेंड होना चाहता था. यहाँ पर एक क्रिकेट ऐसा बोल रहा है कि मैं सिर्फ इनसे बोरो करना चाहता हूँ. ही हैड रिपे इट टुमारो, और मैं उन्हें कल वापस कर दूंगा. ही इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, बोलता है ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, इनके पास जाता हूँ, शायद मुझे वो शेल्टर दे दें, खाना दे दें, जिससे मैं अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं उससे बोरो कर लेता हूँ और कल मैं उन्हें रिटर्न कर दूंगा. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है, वो मन ही मन ऐसा सोचता है क्रिकेट. लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मर जाएगा भूख से, दुख से, ठीक है. देन सेज द एंट टू द क्रिकेट, तो यहाँ पर एंट के पास वो चला जाता है. एंट क्रिकेट से बोलती हैं, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, हम आपके सर्वेंट हो सकते हैं, हम आपके फ्रेंड भी हैं, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम एंट्स ना तो कभी बोरो करती हैं कोई चीज़ और ना ही कभी उधार देती हैं, यानी कि ना तो लेती हैं उधार और ना ही कभी देती हैं. फिर एंट्स उनसे बोलती हैं, बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मेरे प्यारे क्रिकेट मुझे तुम बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वॉर्म, कि तुमने अपने लिए कुछ भी बचा करके नहीं रखा गर्म मौसम में. कोट द क्रिकेट, कोट मीन्स होता है फ्रेंड्स सेट, ठीक है. कोट ये रहा, कोट द क्रिकेट मीन्स सेट द क्रिकेट नॉट आई, वो बहुत ही दुखी होकर बोलता है नहीं मैंने नहीं रखा. माई हार्ट वॉज सो लाइट, लाइट मीन्स बहुत प्रफुल्लित था उसका मन, बड़ा गाने का मन था उसे, तो वो बोलता है मेरा हृदय उस समय बहुत प्रफुल्लित था. दैट आई सैंग डे एंड नाइट, जिसकी वजह से मैं दिन रात गाता ही रहा. फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि मुझे उस समय सारी प्रकृति, पूरा नेचर गे मीन्स प्लीजेंट, जी ए वाई गे मीन्स होता है प्लीजेंट, यानी कि बहुत ही खुशनुमा, प्रसन्नचित, प्रफुल्लित लग रहा था मुझे नेचर. दैट्स वाई आई वॉज सिंगिंग ऑल डे एंड ऑल नाइट. ठीक है, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, तो मुझे उस समय पूरा नेचर बहुत ही खुशनुमा लग रहा था, बहुत ही प्रफुल्लित था, प्लीजेंट था, तो मैं गाता रहा. तो यहाँ पर अब एंड बोलती हैं, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू से, तो वो उसे सर बोलते हुए, एंड क्रिकेट को सर बोलते हैं, बोलती हैं कि जैसा तुमने कहा क्रिकेट, कि तुम्हें पूरा नेचर प्रफुल्लित ही लगता रहा, प्लीजेंट लगता रहा, इसलिए तुम गाते रहे. फिर एंड्स क्या बोलती है, गो देन, तो अब जाओ यहाँ से, ठीक है. एंड डांस टू विंटर अवे, और विंटर में भी डांस करो जा करके, जब तुमने वार्म सीजन में मौसम तुम्हें बहुत ही प्लीजेंट लग रहा था, तुम गाते रहे, अब तुमने अपने खाने के लिए कुछ भी बचा करके नहीं रखा, तो विंटर सीजन में तुम डांस करो, ठीक है. दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, तो अंत में क्या होता है, ही हैस्टली मीन्स होता है बहुत जल्दी में, जल्दी से लिफ्टेड द विकेट, विकेट यहाँ पे क्रिकेट के लिए यूज़ किया गया है, उसको उठाती हैं क्रिकेट को. एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसे डोर के बाहर उठा करके फेंक देती है, रख देती है, जो भी करती है, ठीक है, मतलब उसे दरवाजे का रास्ता दिखा देती है कि भाई तुम जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है. फोक्स कॉल दिस इज अ फेबल, फोक्स मीन्स जो लोग हैं वो इसे फेबल यानी कि कल्पना वाली कहानी, काल्पनिक कहानी कहते हैं.
आई विल वॉरंट इट ट्रू, लेकिन ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं इसे सच्चाई कहूँगा, कल्पना वाली कहानी नहीं, मैं इसे सच्चाई कहूँगा। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, कि कुछ झिंगूरों के, कुछ क्रिकेट्स के फोर लेग्स होते हैं, कुछ चार पैर वाले क्रिकेट होते हैं, एंड सम हैव टू, और कुछ के दो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे समझ आ ही गया होगा कि ऑथर ने यहाँ क्या समझाने की कोशिश की है, क्या मैसेज यहाँ पे कन्वे किया जा रहा है क्रिकेट के द्वारा, कि मुसीबत का समय आए उससे पहले हमें अपने लिए कुछ सेव करके रखना चाहिए जिससे हमारा जीवन आराम से कट सके। अब हमेशा गाते रहने से, नाचते रहने से तो कुछ नहीं होगा क्रिकेट के जैसे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई हो। सो चलती है, चलिए तो हम नेक्स्ट चैप्टर, जो आपके लिए बहुत जल्दी ही वीडियो आने वाली है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जो मैं आने वाली वीडियो है मेरी नेक्स्ट चैप्टर, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके पास मैसेज के ज़रिए मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, गुड बाय, शब्बा खैर।